नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज दोस्तों आरबीआई पॉलिसी थी और ये एक बहुत ही मुख्य इवेंट्स था, सबको पता है। और साहब आरबीआई ने बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठाया। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई छेड़खानी नहीं करी, उन्होंने ब्याज दरें स्थिर रखी। लेकिन बाजार आखिर ऊपर के लेवल को क्यों नहीं सस्टेन कर पाया और बाजार ऊपर से क्यों नीचे आ गया, और क्या मंडे को भी यही होगा, बाजार में बढ़ेगी गिरावट या कमाई के हैं अब मौके, या बाजार यहां से रुकेगा नहीं, यानी कि बाजार की अब यात्रा 19-20 हजार की क्या शुरू हो चुकी है। इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। देखो दोस्तों, आज आपको बताया कि आरबीआई की पॉलिसी आनी थी और आई, और साहब मैंने उसका अपडेट अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे लगा दिया है, आप जाके उसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सबको पता है कि आज आरबीआई ने कोई चेंजेस नहीं किए, बाजार के लिए ये पॉजिटिव था और बाजार ने इसका पॉजिटिव रिएक्शन भी दिया, लेकिन ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया। इसके दो कारण थे। ऊपर के लेवल पर सस्टेन ना करना एक मुख्य वजह थी दोस्तों, कि आज एक्सपायरी भी थी, कॉल के रेट लगातार बढ़ रहे थे और साहब बाजार को नीचे आना था। और दूसरी चीज थी बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस। बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस, सेल बिल्डअप कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये मैंने क्लास में आपको अच्छी तरह समझा रखा है। पब्लिक के अंदर इतना उत्साह उमंग था कि पब्लिक ने साहब दवा के माल खरीदा और आफाई ने इसका फायदा उठाया और साहब उन्होंने ऊपर के लेवल पर शायद प्रॉफिट को बुक करा, इसलिए बाजार ऊपर के लेवल को सस्टेन या अपने आप को रोक नहीं पाया, ऊपर से नीचे आ गया। अब मंडे को, क्या मंडे को भी सब यही होगा? देखो दोस्तों, मंडे की तय करेगा आज का आने वाला डाटा। आज एफआईआई डीआईआई करके क्या गए हैं, मेन वो चीज देखने की होगी, क्योंकि एफआईआई अब क्लियर इंडिकेशन थोड़ा सा मुझे बाय साइड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आरबीआई जो स्टेप उठा रहा है उसे देखते हुए ग्रोथ पे फोकस करना मेरे ख्याल से अब एफआईआई ज़्यादा उचित समझेंगे और इसीलिए वो अपने भारतीय बाजारों पर बुलिश होते हुए आपको नजर आएंगे, पहली चीज। और एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखेंगे पॉजिटिव, इंडेक्स ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव, यानी कि इंडेक्स ऑप्शन भी इनके पास है, इंडेक्स फ्यूचर भी इनके पास है। आज मैंने डाटा लगाया था व्हाट्सएप पे, और कैश में भी इन्होंने थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर दी है। तो एफआईआई की तरफ से दोस्तों कोई चिंता नहीं है, आरबीआई ने भी साहब इन्हीं के साथ दिया है, यानी कि इन्हीं की ताल से ताल मिलाई है कि भैया आप नाराज मत हो, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन पे जो कुछ बोला है वो मैंने सारा अपडेट में लगा दिया है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हो सकती है, यानी कि आरबीआई का मुख्य जो फोकस होगा वो अब ग्रोथ पे होगा। अब यही चीज एफआईआई को अच्छी लगती है कि साहब ग्रोथ अगर करें तो मजा कुछ और आए। इससे पहले सेल बिल्डअप कॉन्फिडेंस था बाजार में और बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आपने देखी होगी। आज से 2-3 हफ्ते पहले बाजार में एक पैनिक था, पब्लिक का जबरदस्त तरीके से माल बिक गया था, 15,000 की बातें होने लगी थी, वो सेल बिल्डअप कॉन्फिडेंस था। अब बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस था आज, जो बाद में सेल बिल्डअप कॉन्फिडेंस बदल गया। लेकिन मंडे को दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मंडे के दिन मुझे लगता है कि बाजार शायद अब यहां से एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो रहा है। बाकी चीजें डिपेंड करेंगी एफआईडीआईएस के डाटा पर। अब हमने क्या करा, हम कल से सेल ऑन राइस में थे, कल से हम पुट में काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें पीसीआर थोड़ा सा कूल डाउन होता है वो नजर आ जाए तो हम इस पुट में से निकल जाए, और आज हम मैक्सिमम पुट में से निकल गए। आज भी हमने सौदे पुट के बनाए थे जिसमें हमें प्रॉफिट हो गया, उसमें से हम निकले, और मेरे ख्याल से कल की जो पुट थी उसमें हम सुबह निकल गए थे, जो बाजार नीचे गिरा तो सुबह भी निकल गए थे, शाम को भी निकल गए। ओवरऑल हम अपनी पुट में से सब में से एग्जिट हो चुके हैं। अब शाम का जो डाटा आएगा वो देखेंगे कि किस प्रकार का डाटा आता है, एफआईआई की क्या रणनीति होगी। और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार का प्राइस बिहेवियर रिएक्शन था आज के मार्केट में कि बाजार नीचे नहीं आ रहा था, आया भी तो 20-25 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे ही आया था बैंक निफ्टी, निफ्टी तो मेरे ख्याल से लाल हुआ भी नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार ऊपर जाने के संकेत बिल्कुल स्पष्ट दे रहा है। एचडीएफसी बैंक देखिए, और फिर पॉजिटिव मेरे ख्याल से 1667 का एक हाई, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि बाजार में ऊपर जाने की जो ललक है वो ज़्यादा है नीचे जाने की अपेक्षा। तो मंडे के दिन भी मेरे ख्याल से एक शायद अच्छी खासी शुरुआत आपको देखने को मिले। फिलहाल
पूरी चीज निर्भर करेगी जो आज FIDIs का डाटा आएगा। समझेंगे अपनी क्लास में टेलीग्राम चैनल पर और साहब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार फाइनली। नमस्कार।